सवाल पूछता हूँ आजम के लिए, वैसे आज बहुत ब्रिलियंट इनिंग्स खेली, ताली बजानी चाहिए आजम के लिए। टर्निंग पॉइंट इस्लामाबाद की स्लो स्टार्ट, उसके बाद 10 ओवर में 77, फिर अगले 10 ओवर में 143, क्या समझते हैं टर्निंग पॉइंट आज के आजम खान थे? क्या सिर भाई? हाँ डेफिनेटली आजम खान ही है, क्योंकि जिस तरह उसने इनिंग्स के लिए और 97 रन बनाए 42 बॉल्स पे, टर्निंग पॉइंट वही है। और टर्निंग पॉइंट बेसिकली वैसे लास्ट फाइव ओवर में तकरीबन हर ओवर में 16 ओवर में 19 रन हुए हैं, फिर उसके बाद अगले ओवर में 10 रन, उसके बाद मुसलसल 20-20 रन लेते हुए, मतलब 90 रन हुए हैं 5 ओवर में। अच्छा रजाक भाई, ऐसा था कि हफीज और सरफराज की भी अच्छी पार्टनरशिप लगी, पावर प्ले में ज़्यादा स्कोर भी था क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, आपको लगता है कि क्या क्वेटा ग्लैडिएटर्स की इनिंग्स में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसकी वजह से वो मैच हार गए, या आपको लगता है कि रन ही इतने ज़्यादा थे क्वेटा जीत ही नहीं सकती थी? देखिए मैंने शुरू से कहा था कि ये T20 क्रिकेट में आपको देखना पड़ता है कि अगर आपकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है तो पहले बैटिंग करें, अगर बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है तो बॉलिंग, यू फैक्टर को जेन से निकाल देना चाहिए। आज तो सही किया ना इस्लामाबाद ने, बैटिंग की ना पहले? नहीं नहीं वही ना, क्वेटा के लिए तो यही था ना, क्वेटा ने पिछले मैच में टॉस जीत के पहले बॉलिंग की, हो सकता है इस मैच में भी वो बॉलिंग ही करते। अब थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया, लास्ट ईयर हर टीम जो टॉस जीती थी बॉलिंग करती थी मैच जीत रही थी, इस बार जो पहले बैटिंग करती थी रेशियो बहुत ज्यादा है, तो जो आपकी टीम की स्ट्रेंथ होती है उसके मुताबिक आपको जाना चाहिए। अब ये कराची की बॉलिंग और क्वेटा की बॉलिंग एक्सपोज हो रही है, ठीक है, अगर दूसरी टीमें आपको इजी टेक ओवर कर रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, तो आपको बॉलर्स को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा या उनकी लाइन लेंथ चेंज करनी पड़ेगी। अब आखिरी 10 ओवर में अगर इतना स्कोर 150 होना शुरू हो जाए तो ये तो कभी भी नहीं जीत सकते। ठीक है,